मित्रों, स्वागत है आपका आईपीएस के डेली हिंदी एडिटोरियल में। आज हम डिस्कस करेंगे दो आर्टिकल, जिसमें से पहला आर्टिकल है बेरोजगारी की समस्या से हमारी अर्थव्यवस्था, जो कि ये सृजन पाल सिंह जी का आर्टिकल है ना। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है और भारत के लिए तो ये हालांकि बहुत बड़ी मतलब कि एक प्रकार से चुनौती के रूप में ये तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। इसमें से जो है तो काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर से कई रिपोर्टों का हवाला दिया गया है, साथ ही साथ जो है तो बेरोजगारी से कुछ निपटने के जो तो सजेशन भी राइटर के द्वारा दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। वहीं हम दूसरी आर्टिकल की बात करते हैं, गरीब के लिए एक बढ़े कॉरपोरेट मदद, यानी कि ये CSR से रिलेटेड है ना। कि हाल ही में जैसे कि कंपनी कानून में संशोधन करके CSR को जो कंपलसरी बनाया गया था, तो इसमें से जो CSR के लिए जो है तो जो इसके कुछ टारगेट हैं कि किस लिए इसको किया जाना चाहिए, तो जो सामाजिक दायित्व के संदर्भ में गरीबी भी उनमें से प्रमुख है, तो उससे संबंधित है कि आखिर इसके बढ़ने से किस प्रकार से गरीबी से मतलब कुछ निजात मिल सकती है। साथ ही भारत की स्थिति गरीबी के संदर्भ में देखा जाए तो क्या कुपोषण जैसी समस्याएँ जो है तो उससे संबंधित है यहाँ पास। यानी कि दोनों हम आर्टिकल की बात करते हैं, तो ये इनको आर्टिकल के बजाय हम टॉपिक कहें तो ज़्यादा उचित होगा कि यहाँ पर जो है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक बेरोजगारी का टॉपिक है और यहाँ पास एक कुपोषण का है। तो ये UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही टॉपिक जो है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और साथ ही साथ जो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल करेंगे, ये जो है तो काफ़ी मतलब कि अच्छे मतलब प्रोडक्टिव ये होंगे निश्चित तौर पर। हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ कि जैसे कि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या से हमारी अर्थव्यवस्था, यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं कि यहाँ पर हाल ही में जैसे 2018 में जो NSSF की रिपोर्ट आई थी ना PRFS के, उस पर जो है तो बेरोजगारी दर भारत में जो है तो 6.1% मतलब कि दर्ज की गई, जो कि पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक मतलब कि इसको माना जा सकता है। तो इसमें से इसका मतलब यह है कि कामकाजी आयु वर्ग में जो जितने लोग हैं एक तय समय में रोजगार की तलाश कर रहे हैं है ना, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला है, तो यही बेरोजगारी का रेशियो मतलब शो करता है ना। अब यदि बात करते हैं कि 2018 में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की बात की, इसको अलग अलग जैसे क्राइटेरिया इसका डिसाइड किया कि अर्बन में रूरल एरिया में किस प्रकार से है, तो ये भी मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टेड इसको आंकड़ा कहा जा सकता है कि अच्छे मतलब कि क्लासिफिकेशन यहाँ पास किया गया है। जैसे बात की जाती है कि 18 में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दर है 10.8% जो है तो शहरी महिलाओं में पाई गई है ना। वहीं इसके बाद यह बात की जाए तो ये शहरी भारत में पुरुषों में 7.1% ये था। वहीं बात करते हैं ग्रामीण की बात की जाए तो ग्रामीण पुरुषों में लगभग ये जो बेरोजगारी के आंकड़े थे तो ये 5.8% थे, तो वही ग्रामीण महिलाओं में 3.8% पाई गई, यानी कि इसको सबसे कम कह सकते हैं है ना। तो इसमें से देखते हैं कि ये तो निश्चित तौर पे मतलब कि ये जो आंकड़े हैं तो एक प्रकार से भ्रामक हैं, क्योंकि भारत में ना तो कड़ाई से एक प्रकार से न्यूनतम मजदूरी दर लागू होती है और ना ही काम करने के कोई निश्चित घंटे हैं, उनमें कोई मतलब नियंत्रण नहीं है। तो निश्चित तौर पर बात करते हैं कि जैसे बेरोजगार लोगों के अलावा भारत का एक और बड़ा हिस्सा है जो कि बहुत कम मजदूरी या एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी काम करता है, तो इसके अलावा जो वो तबका है तो उसको भी एक प्रकार से उचित रोजगार के अभाव में कम समय के लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं व्यवसाय के रूप में तो वो जुड़ता ही है। तो ये भी एक प्रकार से आंशिक बेरोजगारी इसको हम मान सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अल्प समय के लिए रोजगार पाते हैं, फिर उसके बाद फिर से वो बेरोजगार होते हैं, तो उसको आंशिक बेरोजगारी की कैटेगरी में रखते हैं है ना। तो उसको जो है तो इन आंकड़ों में इंक्लूड नहीं किया गया है। वहीं बात करते हैं कि यहाँ मतलब कि ये भी जरूरी है कि जैसे कि बेरोजगारी केवल भारत में ही नहीं, बल्कि ये तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि विकसित देशों में भी देखने को मिलती है, वहाँ भी एक बहुत बड़ी ये समस्या के तौर पे देखने को मिल सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि फ्रांस में जो बेरोजगारी की दर है वो लगभग 8.8% है, तो वहीं इटली में 10.7% देखी जा सकती है। इसी तरह से स्पेन और अमेरिका में 4.4% के आसपास गरीबी आंकड़े हैं ना। तो यदि हम चीन की बात करते हैं तो चीन में जो बेरोजगारी दर है तो वो 3.6% यानी काफ़ी कम देखने को मिलती है, तो वही जापान में लगभग ये 2.6% के आसपास है ना। और भारत में तो हम लोग देख ही चुके 6.1% NSSF के आंकड़ों की बात करते हैं। तो लेकिन इसकी यहाँ पर सिर्फ बात करते हैं कि चीन और जापान के संदर्भ में बात की जाए, तो जापान और चीन में जो है तो युवाओं का परसेंट जो है तो भारत की तुलना में बहुत कम है, इसलिए वहाँ पास इस प्रकार मतलब कि इतनी कम देखने को मिल रही है ना। और वैसे बेरोजगारी के और भी कई फैक्टर होते हैं ना, जैसे कि बात करते हैं कि बेरोजगारी की समस्या की जड़ तो एक प्रकार से शिक्षा प्रणाली में ही देखने को मिलती है ना, चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो या अनौपचारिक शिक्षा हो। एक रिपोर्ट का यदि हवाला दिया जाए तो भारत हर साल सबसे अधिक संख्या में इंजीनियर तैयार करने के लिए जाना जाता है ना, लेकिन वास्तविकता तो ये भी है कि लगभग 82% जो भारतीय इंजीनियर हैं
उनके पास वह मूलभूत स्किल नहीं है जिसकी आज की जो तकनीकी युग है उसमें आवश्यकता है। जैसे जिस प्रकार से आज जो है तो पूरी मतलब कि तकनीक भी जो है तो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो मतलब कि लोगों में स्किल नहीं है, डिग्री तो है लेकिन स्किल का अभाव देखने को मिलता है। तो बेरोजगारी की समस्या में एक प्रकार से कह सकते हैं कि यदि बात की जाए तो ये जो कौशल का अभाव जो है तो ये भी निश्चित तौर पे बहुत ही मतलब कि एक बड़ा कारण कारक माना जा सकता है ना। अब जैसे कि ये बात करते हैं कि बेरोजगारी की समस्या में अर्थव्यवस्था की भूमिका तो है ही, है ना। हमारा जैसे आर्थिक विकास मॉडल की बात की जाए तो ये जैसे कि कुछ इस प्रकार से है कि ये ज़्यादा महानगरों पे ज़्यादा केंद्रित है हमारा जो जो आर्थिक विकास मॉडल है ना। जैसे बात करते हैं कि जो देश के जैसे कुछ ही ऐसे मतलब कुछ चुनिंदा महानगर 8-10 महानगर हैं जहाँ पास एक प्रकार से नौकरियाँ एक प्रकार से संकेंद्रित कह सकते हैं कि यहीं पास तो ज़्यादातर अवसर नौकरियों के देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कि बात करते हैं कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, यहाँ पर ये जैसे बड़ी बड़ी जैसे महानगर हैं तो यहीं पर ज़्यादातर प्रकार से लोग वैसे भी अंतर प्रवासन की स्थिति भी देखने को मिलती है ना। अंतर्राज्यीय मतलब कि लोग जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं इसी की नौकरी की उससे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसकी वजह से जैसे छोटे शहर से निकलने वाले जो युवा हैं तो भी अपनी जैसे पहली नौकरी महंगे महानगरों में ढूंढनी पड़ती है उन्हें। वही बढ़ती बेरोजगारी का एक बड़ा कारण जैसे कि गाँव की स्थिति भी मतलब कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हो सकती है ना। जैसे हमारा यदि हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र जो है तो एक प्रकार से लंबी समय से मंदी के दौर से गुजर रहा है ना। यदि बात करते हैं कि 1993 से 2016 तक यदि बात की जाए तो किसानों के आय में मात्र 2% से भी कम सालाना बढ़ोतरी हुई है, जो कि आज के समय यदि बात की जाए तो बहुत ही कम है। ये तो एक प्रकार से ना के बराबर ही है ना। हालांकि जैसे कृषि रोजगार का एक बड़ा जरिया माना तो जाता है, लेकिन यदि बात करते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो चल रही निरंतर मंदी के कारण शायद ही कोई युवा उसे करियर के रूप में चुनना चाहेगा, है ना। अभी हम लोगों ने अपने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया था कि जिस प्रकार से यदि हम चलो ये तो मान लेते हैं कि जो मोर देन 50% जो हमारा युवा है तो मतलब युवा कहना उचित नहीं होगा, मतलब कि कह सकते हैं कि जो श्रम बल है तो कृषि क्षेत्र पे संलग्न है। लेकिन यहाँ पास एक चीज़ इंटरेस्टेड फैक्ट ये देखने को मिला था कि यहाँ पास जो है तो जो ये लोग तो मतलब कृषि पे ये हमारी श्रम बल लगा हुआ है, लेकिन उसमें से जो उनकी इनकम थी उसका उस इनकम का लगभग 1/3 से भी ज़्यादा जो उसका इनकम का सोर्स था वो गैर कृषिगत क्षेत्र से होता था, है ना। जैसे कि विनिर्माण जैसे क्षेत्रों से होता था गांव की बात की जाती है। तो वहीं यदि देखते हैं कि जैसे कि इस क्षेत्र में जैसे मंदी का दौर कृषि क्षेत्र में तो चल ही रहा है ना, तो यदि बात करते हैं कि जैसे कि आज की जो निराश जो युवा है तो किसान भी एक प्रकार से बेरोजगारी के आंकड़ों में ही दिखेंगे। अभी उनको भी तो रोज़गार यहाँ पर जैसे कृषि क्षेत्र ऑलरेडी मंदी के दौर से गुजर ही रहा है ना। निश्चित तौर पे उन्हें कुछ ना कुछ तो विकल्प तलाशना ही पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे एक प्रकार से वो भी एक प्रकार से बेरोजगारी के आंकड़ों में शामिल होंगे, वो भी एक प्रकार से बेरोजगार की श्रेणी है में आ रहे हैं। तो बेरोजगारी का एक अन्य कारण तकनीकी बदलाव भी है निश्चित तौर पे। बात करते हैं कि जैसे पिछले 3-4 दशक में जैसे तकनीकी क्षेत्र में जिस प्रकार से क्रांति देखने को मिलती है ना। जिस तरह से 5G के टेक्नोलॉजी की दौर पे जा रहे हैं, वही हमारे 4.0 इंडस्ट्री की बातें हो रही हैं जहाँ पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर मतलब कि पूरी तरह से एक प्रकार से आगे मतलब कि हम ब्लॉकचेन की पूरी सिस्टम में ही हम आ रहे हैं। तो यहाँ पास जो है तो एक प्रकार से नई नई चीज़ें रोबोटिक्स वगैरह जो है तो पूरी तरह से एक डायमेंशन ही चेंज हो गया है जो जॉब का स्किल्स का, है ना। तो यहाँ पास जो है तो इन बदलावों के कारण भी एक प्रकार से ये भी बेरोजगारी का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। अब ये बात करते हैं कि पिछले 3-4 दशकों में जैसे तकनीक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तेजी से विकास हुआ, तो आज लगभग ज़्यादातर कंपनियाँ तो अपने कॉल सेंटरों पर जो है तो एक प्रकार से इंसानों के बजाय कंप्यूटर का प्रयोग करने लगी हैं, है ना। वहीं यदि हम उदाहरण के तो ये बात करते हैं कि जैसे कि आज जो है तो टैक्सी बुक करने से लेकर के खाना सामान मंगाने आदि कार्य में पूरी तरह से एक प्रकार से ऐप से यूज हो रहा है ना। तो यहाँ पास जो तो यहाँ भी तो कई काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रोज़गार यहाँ से ख़त्म हुए हैं। अब यदि बात करते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमेशन या एक रोबोट लगभग 6 इंसानों का काम अकेले ही कर सकता है ना। तो ये हम देखते हैं कि एक प्रकार से ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक जो है तो विश्व भर में 80 करोड़ लोगों की नौकरियां रोबोट द्वारा ले ली जाएंगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा संकट के तौर पे देखा जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि ये नौकरियां जहां एक तरफ रोबोट मतलब कि ज़्यादा नौकरियां मतलब कि रोबोट ले लेगा जगह, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सी नई नौकरियों के एक अवसर भी खुलेंगे, है ना। हाँ, बशर्ते ये शर्त ज़रूर हो कि जो
वर्तमान जो पारंपरिक स्किल है तो उसको मतलब कि चेंज करके एक नए स्किल सीख करके लोगों को मतलब कि जॉब ज़्यादा मतलब कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी नए नए तरीके से, है ना। तो खैर वो तो ठीक है, बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर जैसे कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जैसे देश की बात की जाए, जैसे कि जर्मनी है ना और अमेरिका में लगभग लगभग एक तिहाई कर्मचारियों की जो नौकरी है तो रोबोट एक प्रकार से रोबोट उनकी जगह ले लेंगे, है ना, ऐसा अनुमान लगाया गया है। वही इसी प्रकार की प्रवृत्ति तो भारत और अन्य विकासशील देशों में भी दिखेगी, है ना। अब आज ये बात करते हैं कि सवाल लगभग दो चार मतलब कि ये हम बात करते हैं कि क्या हम बदलती तकनीक के साथ कदम से कदम एक प्रकार से मिला करके चल पा रहे हैं क्या, इसमें भी एक मतलब कि सवाल है ना। ये बात करते हैं कि ध्यान रखिए जैसे भारत में इलेक्ट्रिक कारों का भी आगमन हो चुका है, तो हम इस संदर्भ में देखें तो लगभग 2030 तक भारत में पेट्रोल या डीजल की कारें नहीं बिकेंगी, है ना। वैसे भी हम देख रहे हैं जिस प्रकार से BS6 के दौर पे भारत पहुंच चुका है, वहीं पास जो है तो धीरे धीरे जो है तो इलेक्ट्रिक कारें भी मतलब कि इलेक्ट्रिक पूरी तरह से व्हीकल्स भी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो है तो एक प्रकार से ये भी यहाँ भी अब कुछ मतलब कि कुछ ऑटोमेटिक मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उससे भी जो है तो पूरी तरह से मतलब कि ये भी हो जाएंगे, तो यहाँ पास भी बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि रोज़गार जो है तो ड्राइवरों के भी वो भी छीनने के मतलब कि वो हो सकते हैं, है ना, वो होंगे ही निश्चित तौर पर, क्योंकि जो आजकल स्वचालित कारें भी आएंगी जो कि स्टीयरिंग लेस होंगी, है ना, तो इससे निश्चित तौर पर टैक्सी ड्राइवरों की एक प्रकार से नौकरियाँ समाप्त होंगी। साथ ही साथ बात करते हैं कि कम शिक्षा स्तर वाले जैसे लाखों मोटर मैकेनिक हैं उनके रोज़गार भी जाने के संकट हैं, है ना। अब जाहिर कि जैसे हमें वक्त के साथ बदलाव के ढांचे में खुद को भी हमें परिवर्तित करने की ज़रूरत होगी, है ना। जैसे कि वही डार्विन का सिद्धांत लगाओ कि अस्तित्व के लिए संघर्ष में योग्यतम की जीत, है ना, तो वही बात है कि अपने अस्तित्व के लिए निश्चित तौर पे अपने मतलब रोज़गार के लिए जो है तो जो ज़्यादा बेस्ट कर पाएगा तो वही योग्यतम ही मतलब कि ज़्यादा मतलब बेहतर तरीके से वो उस पर ढल पाएगा, है ना। तो बात करते हैं कि जैसे कि हमें युवाओं के कौशल पर ध्यान तो देना होगा और रोज़गार के नए अवसर भी तलाशने होंगे, है ना। यदि हम बात करते हैं कि अपनी शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो उसमें भी एक तरह से कौशल विकास पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी, है ना। इसके साथ ही जैसे कि नए प्रयोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जाने की ज़रूरत होगी। साथ ही यदि बात करते हैं कि जैसे हमारे लाखों शिक्षण संस्थान हैं लेकिन सरकार केवल कुछ अच्छे संस्थानों पर ही ज़्यादा फोकस दिखती है ना। जैसे इसी वजह से जो है तो कौशल विकास का एक प्रकार से वो भी एक केंद्रीकरण ही देखने को मिल रहा है ज़्यादा मतलब कि इस पर ज़्यादा कह सकते हैं कि ब्रॉड लेवल पे इसमें नहीं प्रयास हो रहे हैं, है ना। हमें ये भी ज़रूरी है कि IIT का स्थान भी उसमें तो अच्छा हो, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे छोटे शहर जहाँ हैं तो उनमें जो ITI हैं तो ITI भी विश्व स्तरीय हों, है ना। यानी कि हमें IIT के साथ साथ ITI को भी ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि जो है तो एक प्रकार से इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है तो सभी को बेहतर तरीके से हम मतलब कि स्किल किया जा सके, है ना। वहीं तकनीकी परिवर्तन के कारण जैसे रोज़गार में गिरावट का सामना करने के लिए बात की जाए तो ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने तो जैसे रोबोट टैक्स लगाने की भी बात की है ना। जैसे बात की जाए कि उन्होंने ये कहा कि जिस भी उद्योग में एक रोबोट से लोगों की नौकरियां जाएं तो वहाँ सरकार एक विशेष कर लगा सकती है ना। यानी कि रोबोट से जितनी नौकरियां जाएंगी तो उसके हिसाब से टैक्स लगाने की बात यहाँ पास मतलब रोबोट टैक्स यही है। अब इस कर का उपयोग क्या किस उस पर होगा रोबोट टैक्स का, तो इसका उपयोग वो होगा कि जैसे जो लोग बेरोजगार हुए तो उनके कौशल विकास और जीवन यापन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा इस रोबोट टैक्स का, है ना। अब बात करें जैसे भारत जैसे देश को भी इस पर मतलब विचार करने की ज़रूरत है। साथ ही कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि रोबोट की जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए युवाओं में रचनात्मक कौशल और संवेदना के स्तर को भी विकसित करने की आवश्यकता है ना, क्योंकि रोबोट के पास इसका अभाव होता है। निश्चित तौर पे यदि बात करते हैं कि हम देखें कि बेशक जैसे नए आविष्कार तमाम दरवाजे तो खोल सकते हैं परंतु रचनात्मकता और मानवीय संवेदना इसका कोई विकल्प नहीं है। अब रचनात्मकता की बात करते हैं तो महात्मा गांधी भी इसको मतलब कि बहुत ज़्यादा महत्ता देते थे रचनात्मकता को, है ना। तो वही बात करते हैं कि ये मतलब कि कह सकते हैं कि रोबोट में सब चीज़ें तो आ सकती हैं एक मतलब कि वो हो जाता है, लेकिन जो संवेदनाएं हैं वो तो नहीं आएगी, वो तो मशीन ही है ना। साथ ही साथ जो क्रिएटिविटी है ये चीज़ें उसमें नहीं आएंगी, तो इसके लिए तो निश्चित तौर पे हमें फिर इंसानों की ही ज़रूरत होगी। तो अगर हम आने वाले युग में अपना अस्तित्व बचाना चाहें तो हमें रचनात्मकता और संवेदना पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, है ना। तो हमें इसकी शुरुआत और साथ ही साथ इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत हमें स्कूलों और घरों से ही करनी होगी। निश्चित तौर पर हमारे वैल्यूज़ होते हैं जो, है ना, जो हमारी पूरी मतलब कि एथिकल पूरी मॉरल वैल्यूज़ होते तो ये तो हमारी यहीं स्कूलों और घरों से ही शुरू होती हैं। और साथ ही साथ बच्चों में रचनात्मक प्रतिभा का भी विकास हमें करना होगा, तभी मतलब कि
आगे आने वाले समय के हिसाब से ढाल सकेंगे। हम चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह आर्टिकल है गरीब के लिए बढ़े कॉरपोरेट मदद। ये बात करते हैं कि जैसे भी हाल ही में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ था, तो उसमें हमारी मतलब कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि जैसे भारतीय कंपनियों को मतलब CSR की जो पूर्ति है, तो गरीबों तक ज़्यादा मतलब कि अपनी फोकस करने की ज़रूरत है ना। तो देखते हैं कि जैसे ताकि जैसे कि भूख और कुपोषण जैसी पीड़ा से मतलब कि भारत अच्छे से निपटने में हेल्प उसको मिल सके। तो महत्वपूर्ण यह है कि जैसे भुखमरी और कुपोषण का उन्मूलन है, तो कोई व्यय किया जाना CSR के निर्धारित लक्ष्यों में शामिल तो है। निश्चित तौर पर जो CSR के मापदंड हैं कि किन किन क्षेत्रों पे मतलब कि CSR मतलब कि ये जो सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये उसमें से जो भुखमरी कुपोषण से निपटना भी एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर स्पष्ट किया गया है ना। तो यहाँ पर मतलब कि वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि देश में CSR के तहत जैसे कि खर्च तेजी से वृद्धि हो रही है, तो उसमें सामाजिक कल्याण के मतलब कि वो सामाजिक कल्याण के हिसाब से एक अच्छा इसको संकेत माना जा सकता है ना। अब जैसे कि बात करते हैं कि पिछले वर्षों में जैसे कि CSR के तहत लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए हैं इन क्षेत्रों में। तो इसमें जो है तो वित्त मंत्री ने अपील भी की, जैसे कॉर्पोरेट जगत को निश्चित ही इन क्षेत्र पर मतलब कि ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं जैसे बात करें कि कई इलाकों में देश के भूख और कुपोषण बहुत ही ज़्यादा गंभीर चुनौती के रूप में देखने को मिलती है। तो इसमें जैसे कि यदि हम कुछ रिपोर्टों को संदर्भ में देखें, तो हाल में जैसे प्रकाशित वैश्विक स्वास्थ्य कुपोषण और भूख से संबंधित रिपोर्ट भी मतलब कि इस चीज़ की पुष्टि करती हैं, है ना। जैसे देखते हैं कि CSR व्यय का प्रवाह बढ़ा करके बड़ी संख्या में लोगों को एक प्रकार से कुपोषण और भूख की समस्याओं से निजात दिलाया जा सकता है ना। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पास वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक की बात की जाए, तो जो अक्टूबर में घोषित हुआ था, तो इसमें से 195 देशों से भारत का स्थान 57वें नंबर पे है ना। तो वही दूसरी तरफ यदि बात करते हैं यूनिसेफ की रिपोर्ट की बात की जाती है, तो ये यूनिसेफ की रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन है, तो उसमें ये कहा गया है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के 69% बच्चों की मौतों का कारण कुपोषण है। यानी कि हम यहाँ पास देख सकते हैं कि 69% जो है, जो 5 साल से कम के बच्चों की जो मृत्यु का कारण कुपोषण है, यानी कितनी बड़ी कितनी भयावह समस्या कुपोषण मतलब भारत के लिए देखने को आपस मिल सकती है इस रिपोर्ट के हिसाब से देख सकते हैं और भी, है ना। तो यह साथ ही साथ यूनिसेफ का ये भी आकलन है कि महज 42% बच्चों को ही समय पर खाना मिलता है ना। यानी कि ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पास बात देखने को मिलती है। साथ ही बात करते हैं कि जैसे कि भारत में भूख की समस्या संबंधित रिपोर्ट, जैसे वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए, तो उसमें भी जो भारत का 117 में से 102 स्थान पे भारत को मतलब कि स्थान मिला है। वहीं पिछले वर्ष की बात की जाए, तो इसमें 103वें नंबर भारत था, 119 देशों में तब कंपेरिजन हुआ था। तो यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर रिपोर्ट में जैसे भारत की ये निम्न रैंकिंग है, तो उसका एक बड़ा कारण तो ये बताया गया है कि यहाँ 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ऊंचाई के अनुपात में कम वजन वाले बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है ना। यानी कि यहाँ पर यानी इसके लिए जो चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग जो होती है, बहुत ही बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कुपोषण के लिए, है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि साथ ही बात की जाए कि यहाँ पास भारत के लिए यहाँ पास जो है 6 से 23 महीने तक के जो सभी बच्चे हैं, उनमें से मात्र 9.6% बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकार आहार मिल पाता है। यानी कि ये हम देख सकते हैं कितनी बड़ी एक चुनौती है कि यहाँ पर जिस प्रकार सरकार कितना ज़्यादा प्रयास कर रही है कुपोषण से निपटने के लिए, है ना, गरीबी भुखमरी को खत्म करने के लिए, तो उसी पे हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से एक प्रकार से जो न्यूनतम स्वीकार आहार है, तो वो भी लगभग लगभग मोर देन 90% जो बच्चे हैं 6 से 23 महीने के बीच के, तो उनको ये सुलभ ही नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पे यदि ये मतलब कि समस्या मतलब कि यहीं से शुरू हो जाती है, तो निश्चित तौर पर क्यों ना मतलब उन्हें जब न्यूनतम स्वीकार आहार ही नहीं मिलेगा, तो कुपोषण जैसे समस्या तो निश्चित तौर पर उनको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी ना। उसे पोषक तत्वों की निश्चित तौर पर असंतुलन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यदि बात करते हैं जैसे नोबेल पुरस्कार समय जैसे अमर्त्य सेन की बात करें, तो अमर्त्य सेन ने भी कहा है कि भारत में भूख से पीड़ित लोगों तथा कुपोषित बच्चों की बढ़ती तादाद निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। यदि हम बात करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो मतलब कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने तो जो कुपोषण है तो उसे राष्ट्रीय शर्म भी कहा है कुपोषण को, है ना।
तो हम जब बात करते हैं कि जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम, ये जो राज्य हैं, तो इनमें तो एक प्रकार से ये समस्या बहुत लंबे समय से एक प्रकार से चिंताजनक रही ही है। वही जन्म के बाद जैसे बच्चों को जिन पोषक तत्वों और स्वास्थ्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है, तो ये बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि जैसे वहाँ पर टीकाकरण भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, साथ ही साथ इससे जो तो बीमारी और निश्चित तौर पर समुचित इलाज नहीं हो पाएगा। वहीं देश में जैसे विकास के साथ ही आर्थिक असमानता का परिदृश्य भी स्पष्ट तौर पर दिखता है ना। तो इस प्रकार से जैसे भूख और कुपोषण की जो चुनौती है, उसका सामना एक प्रकार से हमें मतलब सामने एक प्रकार से बहुत ज़्यादा चुनौती के तौर पे भारत के लिए है। तो इससे निपटने के लिए जो है, तो तात्कालिक रूप से CSR व्यय जो है, तो निश्चित तौर पे कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ना। ऐसे बात करते हैं कि जो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो उसके परिपालन के तहत जैसे स्वास्थ्य, कुपोषण और भूख की जो चिंताएँ हैं, तो कम करने के लिए एक प्रकार से ये CSR व्यय बढ़ाने को प्राथमिकता देनी ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि इससे जो है तो निश्चित तौर पे और बेहतर तरीके से इनसे निपटा जा सकता है ना। अब एक बात करते हैं कि जैसे लगभग हम CSR की बात की है, तो ये 500 करोड़ रुपए, इससे ज़्यादा जो नेटवर्थ अथवा 5 करोड़ रुपए है ना, या इससे ज़्यादा मुनाफे वाली जो कंपनी होती है, उनको ही पिछले 3 साल की अपने औसत मुनाफे का 2% हिस्सा ही दिया जाता है। यही CSR है ना। ये ध्यान देने वाले वाली बात है ना। साथ ही साथ जो तो इसका मतलब कि हिस्सा हर साल CSR के तहत उन निर्धारित गतिविधियों में खर्च करना होता है जो समाज के पिछड़े या वंचित लोगों के कल्याण के लिए हो। इस CSR का जो मतलब कि 2% जो देती हैं कंपनियां अपने मुनाफे का, नेटवर्थ का, तो इसमें से ये किन क्षेत्रों पर खर्च होगा, उसके लिए कुछ क्षेत्र भी डिसाइड किए गए हैं, है ना। तो जिनको हम आगे देखेंगे भी विस्तार से, लेकिन यहाँ पर जैसे कि बताया भी गया कि जैसे पिछड़े वंचित लोगों के कल्याण के लिए, साथ ही साथ जो तो भूख है, गरीबी है, कुपोषण नियंत्रण, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद प्रोत्साहन, है ना, मातृ शिशु स्वास्थ्य और मतलब कि बस्तियों के विकास आदि पर जो है तो ये खर्च करने की बातें होती हैं, है ना। लेकिन जो अन्य रिपोर्ट्स में ये भी पाया गया कि जो बड़ी संख्या में जो कंपनियां हैं, तो ये CSR का जो उद्देश्य है उसके अनुरूप खर्च नहीं कर रही हैं। तो निश्चित तौर पे CSR के नाम पर कैसे गलत डाटा दिखा देती हैं, तो उससे मतलब कि हमने यहाँ यहाँ खर्च किया, लेकिन वास्तविकता ये बात की जाए तो ऐसा होता नहीं है। ये फर्जीवाड़ा कर देते थे सरकार को, मतलब कैसे दिखाते देती है खाली डाटा, है ना। तो इसमें हालांकि सरकार ने कुछ मतलब कि सुधार भी किए हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे कि हम थोड़ा सा CSR की बात की जाती है कि जो CSR जो है, तो उसका प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका जो निवल मूल्य है, बोले तो नेटवर्थ जो है, तो लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक हो, या उनका जो टर्नओवर हो, कुल कारोबार जो है, वो 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो, या शुद्ध लाभ उसका जो नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ रुपए से अधिक हो, यानी इन 3 कंडीशन में से कोई एक हो, तो वो CSR देंगी, ठीक है। अब CSR के तहत जो ये कंपनियां हैं, तो उनको अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ जो होगा उसके औसत का 2%, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि CSR की कंडीशंस हैं कि अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ जो होगा उसका 2% देंगी, वो किन चीज़ों पे खर्च करना है उन्हें, ये ध्यान देने वाली बात है। वो क्षेत्र होंगे गरीबी और भूख का उन्मूलन, शिक्षा का प्रचार प्रसार, लिंग समानता, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में सुधार, है ना। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जाति जनजाति महिला अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग, इन क्षेत्रों पे मतलब कि ये व्यय करने की बातें हैं, है ना। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हालांकि जैसे कि यहाँ पर से देखने कि सरकार ने जैसे CSR संबंधित जो इस प्रकार से कंपनियाँ जो है तो एक फर्जी डाटा दिखा करके बिना मतलब CSR से बच जाती थी, तो उसमें सरकार ने जैसे अगस्त में ही कंपनी संशोधन विधेयक 19 को पारित किया था, जो उसके तहत क्या हुआ था कि अब उन कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान इसमें किया गया है जो CSR के लिए अनिवार्य जो 2% का खर्च है तो वो नहीं करती थी, है ना। तो निश्चित तौर पे जो है तो इससे कुछ मतलब कुछ सुधार होगा, जो मतलब कि फर्जीवाड़ा देखने को मिलता था वो अब नहीं होगा, है ना। साथ ही साथ जो है तो अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पर सेट कर दी गई है, तो जिससे निश्चित तौर पे एक इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब जो नया संशोधन है, तो उससे जो कंपनी की CSR गतिविधि है, तो उसमें एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी तय करने में एक प्रकार से आसानी तो होगी। साथ ही कंपनी अधिनियम की जो धारा 135 है ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो संशोधन हुआ है, तो इसमें धारा 135 जो कंपनी अधिनियम है उसकी, उसके तहत जो नए CSR मानक हैं उनके अनुसार, यदि कोई कंपनी अपने मुनाफे का निर्धारित हिस्सा निर्धारित सामाजिक गतिविधियों पर खर्च नहीं कर पाए, तो धनराशि
मतलब कि जो खर्च नहीं करती है तो उसे कंपनी से संबद्ध बैंक में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में जमा किया जाना होगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो पहले इस चीज़ को थोड़ा सा वैसे बना दिया गया था, है ना, आपराधिक तरीके से बना दिया गया था, फिर उसके बाद फिर सरकार ने इस चीज़ को वापस भी ले लिया था। तो यहाँ अब यहाँ पर जो है तो एक तरह से यदि वो नहीं खर्च करती हैं, मतलब उन्हें खर्च करना होगा, यदि नहीं खर्च करती हैं कंपनियाँ, तो उसे संबद्ध बैंक में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में जमा करना होगा, है ना, जो कि एक प्रकार से कंपनियों को CSR का बगैर खर्च किया हुआ धन स्वच्छ भारत कोष, है ना, क्लीन गंगा फंड और प्रधानमंत्री राहत कोष जैसी मदों में डालना होगा। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, जैसे बता सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं कि यदि वो खर्च उसमें नहीं करते हैं तो फिर वो मतलब कि कहाँ उसका खर्च होगा, है ना, तो उसमें से ऑप्शन आपको दे देंगे। तो इसमें से यहाँ पर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में अपने रखिएगा कि किन किन क्षेत्रों पर मतलब CSR कहाँ फिर उसका खर्च होगा, तो वो हो जाएगा धन स्वच्छ, वो जो धन होगा वो स्वच्छ भारत कोष में, क्लीन गंगा फंड में, प्रधानमंत्री राहत कोष जैसी मदों में डालना होगा वहाँ पास, है ना। वहीं अब देखते हैं कि जैसे कि ऐसे में जैसे अभी तक जो कंपनी CSR को मतलब कि ज़्यादा अच्छे से नहीं लेती थी, तो निश्चित तौर पर इससे उनको समस्या अब होगी और निश्चित तौर पर वो इस मतलब कि CSR को अदा करने में ज़्यादा मतलब कि सक्रिय होंगी। अब तब CSR के मोर्चे पर बात की जाए तो ये सरकार ने अच्छे मतलब इसको अच्छा कदम ही माना जा सकता है ना। अब जैसे कंपनियां केवल ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि उन्होंने CSR पर पर्याप्त रकम खर्च कर दी है, अब तो उन्हें निश्चित तौर पर उन्हें बताना भी होगा, साथ ही साथ उस चीज़ को दिखाना होगा कहाँ कैसे खर्च किया है ना, और काम को भी मतलब स्पष्ट करना होगा, साथ ही जो है तो उसका क्या आउटपुट मिले समाज में, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट दिखे, है ना, तो पॉजिटिव या नेगेटिव किस प्रकार के रिजल्ट दिखे, ये चीज़ें जो है तो स्पष्ट करनी होंगी कंपनियों को, है ना। वही जैसे उन्हें ये भी बताना होगा कि क्या यह खर्च एक कंपनी से जुड़े किसी संगठन पर हो रहा है ना, इस चीज़ का भी स्पष्टीकरण दिया देना होगा। वहीं नए नियमों के तहत जो तो निचले स्तर पर शामिल कंपनी है तो उनके लिए CSR में वे जो न्यूनतम खर्च है तो उनके खुलासे की भी बाध्यता होगी, तो खर्च की रकम बढ़ने के साथ साथ जो है अधिक से अधिक जानकारी भी उनके दे उन्हें जो है तो देनी होगी। तो यदि देखते हैं कि जिस तरह से देश में कॉर्पोरेट जगत एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसी के अनुसार उसे CSR में भी एक प्रकार से इजाफा होना तो निश्चित तौर पे वाजिब भी है ना। अब देखते हैं जैसे देश में कॉर्पोरेट जगत के सामाजिक उत्तरदायित्व की जैसे नई ज़रूरतें भी उभर कर सामने आई हैं। यदि महत्वपूर्ण यह है कि जैसे CSR की तरह जो CSR की यदि बात की जाए तो कोई दान नहीं है ना, दरअसल ये जो है तो सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ कारोबार करने की व्यवस्था है। हम लोगों ने अपने पिछले आर्टिकल में एक चीज़ ये देखी भी थी कि यहाँ पर किस प्रकार से अमेरिका में पूंजीवाद का मतलब कि यंगस्टर्स उसका विरोध कर रहे हैं, वहीं जो CEO का मतलब कि एक ग्रुप था तो उसने जो है तो किस प्रकार से जो तो CSR को जो तो कंपनियों के दायित्व से जोड़ने की बात, कॉरपोरेट से जोड़ने की बातें की थी, है ना। तो उसी पे यहाँ पर यदि बात करते हैं उसी चीज़ को हम जोड़ सकते हैं, है ना, वहीं जो सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ये तो कारोबार करने की व्यवस्था है, तो यहाँ पर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कॉरपोरेट के साथ जुड़ जाती है ना। वहीं बात करते हैं कि जैसे कॉरपोरेट जगत की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्थानीय समुदाय और समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनके बेहतर जीवन और रहन सहन के लिए भी एक सकारात्मक भूमिका निभाए, है ना, खास तौर से जैसे देश में कुपोषण है, भुखमरी जैसी समस्या है, तो उनके लिए भी CSR जो है तो उसके एक प्रकार से दायरे का विस्तार जो है तो निश्चित तौर पे एक प्रकार से उसकी सामाजिक ज़रूरत भी है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मतलब कि आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, मैंने कुछ डाटा यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं कि जैसे कुपोषण से रिलेटेड है क्योंकि ये तो वैसे भी एवरग्रीन टॉपिक है ना, तो कुपोषण संबंधित ये जो थी आप जो है तो ये डाटा आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मतलब आपके आंसर में मतलब काफ़ी ज़्यादा वेटेज हो जाएगा ना इनका यदि आप प्रयोग कर लेंगे तो, और साथ ही साथ आपको मतलब रिवाइज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मतलब हो गई है। जैसे कि यहाँ पास कुछ डाटा जैसे कि विश्व बैंक रिपोर्ट की बात की जाए कि उसने मतलब कि 1990 से 2018 के बीच जो है तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर काफ़ी कम भी हुई है, लगभग आधी रह गई है ना, ये मतलब कि इसको भारत का एक प्रकार से जो भारत इस गरीबी से निपटने समझ समझ मतलब प्रयास कर रहा है तो उसके भारत के लिए एक प्रकार से ये अप्रिशिएट करने के हिसाब से ये रिपोर्ट हो सकती है ना, मानी जा सकती है। वहीं गरीबी सूचकांक रिपोर्ट की बात की जाए 2019 में तो ये लगभग देश के कुल गरीबों का लगभग 50% हिस्सा मात्र 4 राज्यों पर बात करते हैं, ये भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है कि जैसे बात करते हैं कि जो झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, वैसे ही पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में मतलब ये जो थे तो इन्होंने ये जो है लगभग 50% हिस्सा गरीबी का इन 4 राज्यों में है ना, तो ये भी ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण हो सकता है कि कितने मतलब कि ज़्यादा इनको बेहतर तरीके से इन पे ज़्यादा फोकस करके इसको और बेहतर तरीके से टारगेट किया जा सकता है ना।
पॉलिसी बनाने में ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, चीज़ें होती हैं, तो हम अपने कुछ सजेशन भी दे सकते हैं इसमें ना। वही बात की जाए कि जैसे देश में गरीबी दर में भी गिरावट आ रही थी, परंतु जैसे कुपोषण और भूख की समस्या तो निश्चित तौर पर बरकरार ही है। कि देखिए कि भारत यदि खाद्यान्न में तो एक प्रकार से संपन्न आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन फिर भी भुखमरी जैसी समस्याएं भी आज भी देखने को मिल रही हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर ये तो एक प्रकार से असमान वितरण या संसाधनों का एक प्रकार से ये भी इसके लिए महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। एक बात की जाए कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2019 की रिपोर्ट की बात की जाए, तो उसके अनुसार विश्व भर में जो 5 वर्ष तक की जो उम्र के प्रत्येक जो 3 बच्चों में से एक बच्चा जो है कुपोषण और अल्प वजन की समस्या से ग्रस्त है ना। तो पूरे विश्व में लगभग 200 मिलियन तथा भारत में प्रत्येक दूसरा बच्चा कुपोषण से किसी न किसी रूप में ग्रस्त है, तो ये भी मतलब कि देख सकते हैं। वहीं जो तो अन्य रिपोर्ट भी आप लोग मतलब कि देख लीजिएगा, वहीं हंगर इंडेक्स को भी मैंने यहाँ पास इंक्लूड कर दिया है ना। तो साथ ही बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पास हम राष्ट्रीय पोषण मिशन को भी मतलब कि सरकार का जो इनिशिएटिव, सरकार की तरह जो गरीबी भुखमरी संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, तो उनमें से जैसे कि सरकार का जो PDS वगैरह है सिस्टम है ना, मध्यान्ह भोजन की भी मतलब कि सरकार का इनिशिएटिव है। वही ICDS की बात की जाए तो ICDS भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना। वहीं पास जैसे फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें कि सरकार यहाँ पास जो है तो प्रयास कर रही है कि जो गुणवत्तापूर्ण भोजन मतलब कि दिए जाएँ, है ना, जो उसमें से विटामिन मिनरल्स है ना, खनिज जिनकी कमी हो, तो उसको अलग से उन चीज़ों को उस कंटेंट को उसमें डाला जाए, है ना। तो उससे जो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा गुणात्मकता आएगी उसमें। साथ ही साथ आयोडाइज्ड सॉल्ट की भी बातें की जा रही है कि जिस प्रकार से यहाँ पास एनीमिया की समस्या देखने को मिलती है ना, मतलब कि थायराइड वगैरह की समस्या देखने को मिलती है, तो इस प्रकार से आयोडाइज्ड सॉल्ट ऑलरेडी होगा, तो इस प्रकार की समस्याओं को टारगेट किया जा सकेगा ऑलरेडी ही, है ना। वहीं देखते हैं कि यहाँ पर सरकार ने जैसे कि ये मध्यान्ह भोजन में वहीं PDS में भी जो है तो मतलब कि क्वालिटेटिव यहाँ पास कुछ चीज़ें जो है तो पोषण युक्त चीज़ें भी देने की यहाँ पास बातें की है ना। वहीं यदि हम कुछ और उस पर देखें तो भी हाल ही में जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने भी अंडे वगैरह वितरित करने का भी जो है तो मतलब वो MDM में भी प्रयास कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये तो इसी प्रकार के जो सकारात्मक मतलब कि सरकार के प्रयास चल रहे हैं, या तो राज्य स्तर पर भी चल रहे हैं और सेंट्रल लेवल पे भी चल ही रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों को भी हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं कि इनसे निपटने संबंधित, है ना, कुपोषण और गरीबी भुखमरी संबंधित इनसे। वहीं जो है तो सरकार के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बड़ा इसको ब्रॉड लेवल पे कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात की जाती है, कि जो पोषण मिशन था तो ये सरकार का एक बड़ा महत्वाकांक्षी मिशन है ना। ये सरकार ने इसमें इसे 2018 में से लॉन्च किया था। तो ये राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है तो ये लक्ष्य इसका है कि छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को एक प्रकार से कम करना। साथ ही साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन की ये अवकल्पना है, ये नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और इसके तहत जो है तो दो उद्देश्य इसका है 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना, है ना। ये मतलब कि काफ़ी सरकार का एक महत्वाकांक्षी वो मिशन है ना। तो अब जैसे कि हम ये बात की इस आर्टिकल में, तो जैसे कि हमें और भी अन्य क्षेत्र पर जैसे प्रयास करने की ज़रूरत है, तो जैसे श्रम कौशल से जुड़ी योजना है उसमें भी CSR का मतलब कि व्यय बढ़ाने की ज़रूरत है ना। जहाँ गरीबी भुखमरी है तो वहीं पर श्रम कौशल को भी इम्प्रूव करने के लिए CSR हेल्पफुल हो सकता है ना। वहीं तो बात करते हैं जैसे श्रम कौशल के आधार पर देश में भी बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार देकर, है ना, उन्हें कुपोषण भूख से बचाया जा सकेगा, है ना। निश्चित तौर पर रोज़गार देना मतलब कि ये हम कुपोषण और भूख से ही बचा रहे हैं, क्योंकि हम रोज़गार दे देंगे उनको तो निश्चित तौर पर वो सशक्त हो जाएंगे, और वो ही इंडिविजुअल वही बंदा सशक्त नहीं होगा बल्कि उसका पूरा परिवार सशक्त हो जाएगा। परिवार सशक्त हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है तो एक प्रकार से उसकी जो मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ एक प्रकार से उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है तो काफ़ी मतलब कि अच्छा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर उसको मतलब कि जो समस्याएँ हैं तो उससे मतलब कि वो मतलब निपटने में सक्षम हो सकेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा मतलब कारगर साबित हो सकता है। वहीं जैसे बात करके जैसे समाज के कमजोर वंचित लोग हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने और देश में जो मौजूद कुपोषण और भूख की समस्या से निपटने में जो कॉरपोरेट जगत है निश्चित तौर पर उसे अपना योगदान मतलब बढ़ाने की भी ज़रूरत है, और CSR व्यय के माध्यम से जो है अधिक सार्थक भूमिका निभाने की दिशा में ये मतलब कि महत्वपूर्ण कारगर हो सकता है। तो बस आज के इस आर्टिकल में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।